नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज ने रोमांचक अंदाज में जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जी हां, इंग्लैंड के दिए 200 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज की टीम ने 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें, वेस्टइंडीज टीम के लिए जीत के हीरो बने जर्मन ब्लैकवुड, जिन्होंने 154 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेली और टीम की जीत की नींव तैयार कर दी। हालांकि वो अपना शतक नहीं बना सके, लेकिन जब वो आउट हुए तब टीम जीत की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। आपको बता दें, 5वें दिन इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को 200 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही थी और उसके शुरुआती 3 विकेट 27 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद रॉस्टन चेज और ब्लैकवुड ने शानदार पार्टनरशिप की और टीम को न सिर्फ संभाला बल्कि स्कोर को 100 के पार भी ले गए। आपको बता दें, 100 रन के स्कोर पर रॉस्टन चेज का विकेट गिरा। रॉस्टन चेज 88 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद जर्मन ब्लैकवुड ने शेन डॉरिज के साथ भी एक शानदार पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को 168 तक ले गए। शेन डॉरिज 37 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जर्मन ब्लैकवुड ने जेसन होल्डर के साथ भी एक और पार्टनरशिप की और तेजी से अपने शतक की ओर भी बढ़ने लगे थे, लेकिन 95 रन के स्कोर पर वो स्टोक्स का शिकार हो गए और जेम्स एंडरसन को कैच थमा बैठे। जर्मन ब्लैकवुड के आउट हो जाने के बाद जेसन होल्डर ने कोई गलती नहीं की और टीम को आसानी से जीत की दहलीज तक ले गए। जेसन होल्डर 36 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी करने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेनन गैब्रियल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें, दूसरा टेस्ट मैच 16 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।